हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम विपाल और आप देख रहे हैं एमपी ब्लॉग्स चैनल। दोस्तों जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था अभी थोड़े दिन पहले, लगभग दिसंबर के लास्ट में किया था, कि सभी तरीके का जो मॉडिफिकेशन है गाड़ियों में, बाइक में या फोर व्हीलर में, वो इनवैलिड है। मतलब अब किसी तरीके का हम मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, यहाँ तक कि जो बम्पर गार्ड या बुल गार्ड जो हम लगा लेते हैं वो भी अब नहीं लगा सकते। तो ऐसा मॉडिफिकेशन हमें गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। अब जिस तरीके का ऑर्डर जारी हुआ है, अगर आप आगे या पीछे बम्पर जो हम लगवाते हैं अगर वो लगवाएंगे तो वो भी अब गैर कानूनी कहलाया जाएगा और आपकी गाड़ी का कहीं भी चालान हो सकता है। हालांकि बेसिकली होता नहीं है, नॉर्मल जो है हम गाड़ी कभी भी ड्राइव करते हैं तो, लेकिन अगर कभी RTO मिल जाए या RTO अपने चालान करने के मूड में ही खड़ा हो तो वो किसी भी बात पे चालान कर सकता है। तो मॉडिफिकेशन में अब कई चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं मॉडिफिकेशन में, जैसे कि हम ही डोर वाइजर जो लगवा लेते हैं बरसात से बचने के लिए, ये दोस्तों मॉडिफिकेशन में नहीं आता है। अब मॉडिफिकेशन में जो चीज़ें आती हैं उनकी मैं बात कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारी गाड़ी की जो चौड़ाई है जो हमारी कंपनी लिख के देती है वो ना बढ़े, और जो लेंथ होती है लंबाई आगे से पीछे से वो ना बढ़े, और जब हम बुल गार्ड लगवाते हैं तो हमारी गाड़ी की लेंथ बढ़ जाती है और कम से कम 4-5 इंच आगे और 4-5 इंच पीछे बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि मॉडिफिकेशन जो है इनवैलिड हो जाता है। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ और है मॉडिफिकेशन में, जिससे वजन, गाड़ी का वजन भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। हमारी गाड़ी का जो वजन होता है नॉर्मली उसका केवल 2% हम वजन बढ़वा सकते हैं गाड़ी में किसी भी तरीके से। मतलब कोई अगर मॉडिफिकेशन अंदर हम करा रहे हैं तो हम केवल 2% वजन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी मेरी ऑल्टो K10 का वजन है दोस्तों 750 किलोग्राम, मतलब 7 क्विंटल 50 किलो वजन है इसमें, तो इसका 2% दोस्तों 15 किलो हुआ लगभग। तो 15 kg तक का इसमें अंदर अगर कोई वजन बढ़ रहा है मॉडिफिकेशन के तौर पे तो वो हम बढ़वा सकते हैं। उस 15 किलो तक का कोई चलाने या सी गाड़ी नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी क्या है दोस्तों कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोई टोल कर तो नहीं देखता हमारी गाड़ी को, तो वजन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी चीज दोस्तों जो है वो है, जैसे कुछ लोगों को पूछेंगे कि जो हम CNG किट लगवा लेते हैं बाद में वो मॉडिफिकेशन के तहत आएगी तो नहीं आएगी। तो दोस्तों हम जो CNG किट लगवाते हैं तो जो हमारा सिलेंडर रखा होता है CNG किट वाला, वो हम अपने बूट स्पेस में रखवाते हैं। तो और ये है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों कि ये एक ग्रीन इन्वायरमेंट को के लिए लगवाते हैं हम लोग और फ्यूल बचाने के लिए लगवाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन के तहत वैसा नहीं आता है कि ये इनवैलिड होगा, ये हम लगवा सकते हैं। लेकिन लगवा तभी सकते हैं जब हम एक वैलिड डीलर से लगवाएंगे तभी, और अपने RC में मेंशन कराएंगे इस चीज को तो वैलिड है। लेकिन अगर हमारी RC में मेंशन नहीं है तो ये भी इनवैलिड मॉडिफिकेशन आएगा। अब दोस्तों कलर की बात कर लेते हैं, कलर में मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो दोस्तों कलर में मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। जैसे कि आपका कलर अगर व्हाइट है तो आप कम से कम 50% कलर व्हाइट ही रहना चाहिए, उसके बाद आप स्टिकर साइड में लगवा सकते हैं, दोनों साइड में लगवा सकते हैं, आगे पीछे लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम आपकी गाड़ी में जो RC में मेंशन है वो कम से कम 50% कलर जो है वो रहना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा कलर आप दूसरा करवा लेते हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आप पूरी गाड़ी का ही कलर चेंज कराना चाहते हैं तो आपको बाकायदा RTO ऑफिस से परमिशन लेनी होगी और RC में मेंशन कराना होगा कि आपने कौन सा कलर कराया है। और मॉडिफिकेशन के तहत दोस्तों वो चीजें नहीं आएंगी, जैसे कि जो कंपनी RC में मेंशन करके देती है कि इतना वजन है, इतना वेट है और ऐसा कलर है, तो जो चीजें RC में मेंशन होती है हमारे पहले वो चीजें ठीक है। अगर उससे ज्यादा हम एक्स्ट्रा करवाते हैं तो वो मॉडिफिकेशन के तहत ही आती है। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं अलॉय व्हील्स के बारे में। दोस्तों अलॉय व्हील्स हम लगवा सकते हैं गाड़ी में अपनी, लेकिन अलॉय व्हील्स हम जैसे हमारी गाड़ी में जितने इंच के टायर्स दिए होते हैं हम उतने ही इंच के लगवा सकते हैं, उससे बड़े या छोटे नहीं करा सकते। छोटे तो बेसिकली हम लोग कराते नहीं है, ज्यादातर बड़े ही करवाते हैं, तो अब हम बड़े नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर मेरी इस गाड़ी की बात करूं तो 13 इंच के टायर्स हैं, अब मैं 13 इंच से ज्यादा के इसमें अलॉय व्हील्स नहीं करवा सकता, मतलब 14 इंच के नहीं लगवा सकता। आप मॉडिफिकेशन करवाएंगे अगर आप लगवाना चाह रहे हैं अलॉय व्हील्स तो आप 13 इंच के ही अलॉय व्हील्स लगवाएं विद टायर, तब तक वैलिड है। तो अलॉय व्हील्स में भी यही है कि आप लोग केवल उतना ही लगवा सकते हैं जितना आपकी गाड़ी में दिया हुआ है, बाकी और एक्स्ट्रा नहीं करवा सकते। तो दोस्तों अब मॉडिफिकेशन आप लोग जब भी करवाएं तो सोच समझ के करवाएं, और ज्यादा क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन करवाएंगे और कभी फंस गए तो चालान तय है। तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि गाड़ी में मॉडिफिकेशन ही ना कराया जाए, छोटा मोटा करा सकते हैं
कवर्स लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर प्लेट्स और नंबर प्लेट्स, हाँ नंबर प्लेट्स का मैं बता देता हूँ उसको। नंबर प्लेट्स हमारी गाड़ी में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगने वाली हैं। ये नियम दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ कि नंबर प्लेट्स जो हैं अब गाड़ी में 3 लगेंगी 1 अप्रैल 2019 से। एक तो फ्रंट पे लगती है हमारे, एक हमारे बैक पे लगती है गाड़ी के, और जो तीसरी नंबर प्लेट्स होगी वो दोस्तों साइड में लगेगी गाड़ी के, या ड्राइवर साइड हो सकता है या पैसेंजर साइड हो सकता है, और वो एक स्टिकर टाइप की लगेगी, बड़ी प्लेट नहीं लगेगी लेकिन एक स्टिकर टाइप की लगेगी, ऐसा नियम लागू होगा। और ये जो नंबर प्लेट का नियम है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और जो तीसरी नंबर प्लेट का, ये हमारी सरकार का नियम है और 2019 से लागू होगा 1 अप्रैल से। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियोस की जानकारी तुरंत हो सके। धन्यवाद दोस्तों।